टी20 क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि विश्व कप समाप्त हो चुका है और उसमें इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन चुका है। इसके बाद अब नए खेल का आगाज भी हो चुका है। भारतीय टीम 3 टी20 मैच और 3 एक दिवसीय मैच न्यूजीलैंड के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है। परंतु एक खास बात यह भी है कि इस बार भारतीय टीम के दिग्गज चेहरे इस श्रृंखला में दिखाई नहीं देंगे, या यूं कहें कि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है। आइए जानते हैं ये मैच कब कब होंगे और इनको कहां कहां खेला जाएगा, भारतीय टीम कौन सी है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। न्यूजीलैंड दौरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। इनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल के अलावा दिनेश कार्तिक और आर अश्विन शामिल हैं। यह सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड टीम के दौरे में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अब टी20 सीरीज का। पहला टी20 मैच 18 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच 20 नवंबर को माउंट मोंगानुई में और तीसरा टी20 नेपियर में 22 नवंबर को खेला जाएगा। तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे शुरू होंगे। टी20 के लिए जो भारतीय टीम की घोषणा की गई है वो इस तरह है। टी20 सीरीज की इस बार कप्तान की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे जो विकेट कीपर की भी भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक का नाम शामिल हैं। अब बात करते हैं 3 एक दिवसीय मैच की शेड्यूल की। पहला वनडे मैच 25 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरा एक दिवसीय मैच 27 नवंबर को हैमिल्टन में और तीसरा एक दिवसीय मैच 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। ये तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे शुरू होंगे। 3 एक दिवसीय मैच के लिए जो भारतीय टीम की घोषणा की गई है वो इस तरह है। एक दिवसीय मैच के लिए शिखर धवन को कप्तान की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान और विकेट कीपर की भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक के नाम शामिल हैं। यह थी हमारी स्पोर्ट्स एपिसोड की खास जानकारी। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी समूची जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। नए स्पोर्ट्स एपिसोड को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।